कांसी राम जी का था नारा और बहुजनों से था भाईचारा। कांसी राम जी का था नारा और बहुजनों से था भाईचारा। जब ये साथ आएगा बहुजनों का राज आएगा, भारत में बहुजनों का राज आएगा। साथ जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। और आज हम द थिंक पर ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जिन्होंने फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा को गीतों के माध्यम से संपूर्ण भारत के अंदर प्रचार प्रसार करने का जो काम कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है प्रकाश सागर जी, मध्य भारत के सुप्रसिद्ध गायक और बोधिसत्व ऑर्केस्ट्रा के संचालककर्ता। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जय भीम। सर आज हमारे साथ है छत्रपति शाहू जी महाराज जयंती के मौके पर, और ऐसे में आपसे मैं यही चाहूँगी कि सबसे पहले आप छत्रपति शाहू महाराज को अपने गीतों के माध्यम से चंद लाइनों से अभिवादन करें। वैसे जो भी प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक हो चाहे पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, तो मैं अपने गीतों के माध्यम से ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करता हूँ। और आज यहाँ पर बहुत भव्य प्रोग्राम था जहाँ पर हमारी मार्गदर्शक सीमा समृद्धि कुछवा में आई हुई थी, तो हमें भी बहुत गौरव हुआ। बहुत अच्छा प्यार इसने हमेशा मिलते रहता है आप लोगों का, इसलिए साधुवाद आपका। और मैंने जो गीत गाया है आज, मैंने वो शाहू महाराज का जो गीत था वो यूट्यूब पे सर्च किया था, उसको मैं थोड़ा गा के आपको बताना चाहता हूँ। आरक्षण के जनक तुम ही हो, आरक्षण के जनक तुम ही हो, साहू जी महाराज हमारा, नमन तुम्हें महाराज हमारा, नमन तुम्हें महाराज। आरक्षण के जनक तुम ही हो, साहू जी महाराज तुम हमारा, नमन तुम्हें महाराज हमारा, नमन तुम्हें महाराज। और मैं बहुजन मूवमेंट के गायक के रूप में जाना जाता हूँ वैसे भी मैं, तो मैंने अनेकों गाने लिखे हुए भी हैं मेरे, और कुछ गाने रिकॉर्ड होने वाले हैं, कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे भी चल रहे हैं। उनमें से मान्यवर साहब के भी बहुत गाने कुछ लिखे हुए हैं, तो एक गाना मैं अपने दर्शकों को भी आपको सुनाना चाहूँगा कि कांसी राम जी का था नारा और बहुजनों से था भाईचारा। कांसी राम जी का था नारा और बहुजनों से था भाईचारा। जब ये साथ आएगा बहुजनों का राज आएगा, भारत में बहुजनों का राज आएगा, बहुजनों का राज आएगा, भारत में बहुजनों का राज आएगा। तो ऐसे अनेकों गाने हैं जिसके माध्यम से मैं समाज को और बहुजन समाज को थोड़ा जागृत करने की कोशिश करता हूं। और बहुत सारी जगहों में ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं मुझे बुलाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों का प्यार मिलता है। सर आप हमेशा राज की बात करते हैं, अभी आपके गीतों के माध्यम से आपने कहा कि बहुजनों का राज आएगा, तो मान्यवर कांशीराम साहब का अच्छा खासा प्रभाव आपके ऊपर लगता है। बहुजन आंदोलन को लेकर, जो बहुजन आंदोलन की राजनीतिक आंदोलन को अगर हम देखें तो वो इस प्रकार फॉल डाउन आया, फिर भी आपके गीतों में वो जो ताकत है वो ताकत कम नहीं हुई, इसका क्या राज है? देखो, मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि जैसे कि हम आज के प्रोग्राम में सीमा मैम ने बताई है और पंजाबी सब ने बताए हैं कि हमको शासन सत्ता मिले ना मिले, लेकिन आंदोलन बराबर चलना चाहिए, आंदोलन रुकना चाहिए। और ये बहुजनों का जो आंदोलन है, बहुजन मूवमेंट जो है, वो राजनीतिक शक्ति पाने के लिए तो है ही है, लेकिन एक आंदोलन है, वो आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस आंदोलन की वजह से आज जो चीज़ हमें नहीं मिलना चाहिए वो मिल पा रही है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, इसलिए मैं बराबर इस मूवमेंट के हिसाब से मैं चलते रहता हूँ और गीत लिखते रहता हूँ।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के शान में आपने कुछ लिखा है। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर मैंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहन जी का भी 2022। कुछ चंद लाइन बहन जी की शान में। मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, काफ़ी मेरे यूट्यूब चैनल पे है अभी। सीमा में भी पूछ रही थी कि कौन सा गाना आपने गाया है। मैंने कहा कि मैंने बहन जी के लिए 2022 में यूपी में जो चुनाव हुए हैं उस पर मैंने गाना लिखा है, तो मैंने सीमा में उनको भी लिख के दिया, यूट्यूब चैनल का भी नाम दिया हुआ है। तो मुझे याद नहीं आ पा रहा है गाना, लेकिन मैंने बहुत सारे गाने ऐसे बहन जी के लिए भी गाए हैं। सर ऐसे है कि देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है और गरीबी भी है और मजदूरी करने वाले लोग हैं, लोगों में काफ़ी दुख है, तकलीफ है। और उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखें अभी जो शासन सत्ता में जो लोग हैं तो उनका जो अहंकार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला हो, अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, छल हो रहा है वो हो, या फिर नुपुर शर्मा के माध्यम से मुस्लिम समाज के जो भावनाएं आहत हुई, ऐसे मामलों को लेकर एक बहुजन गायक होने के नाते आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? बेरोजगारी का जो मामला है मैम, तो मैं जहाँ तक मैं अपने विचारों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो युवा लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो शायद इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। और कारण यही है कि वो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश में सार्वजनिक जो उपक्रम सरकारी उपक्रम है उनको, उनका प्राइवेटेशन हो रहा है, उनको बेचा जा रहा है। और यहाँ का जो युवा है वो खुश है, वो अधिकतर युवा, जैसे मेरे साथ में कुछ लोग हैं ओबीसी के लोग हैं, उनके बीच में मैं चर्चा करता हूँ मेरे दोस्तों के बीच में, तो वो प्राइवेटेशन को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं उनसे बहस करता हूँ कि भाई प्राइवेटेशन, जैसे गवर्नमेंट काम है, आप 8 घंटे की नौकरी करते हैं, प्राइवेट काम में 12-12 घंटे की नौकरी करते हैं, तो भाई इसमें उसमें बहुत अंतर है। आपका शोषण होता है, आपको पेंशन नहीं मिलता है, जब चाहे प्राइवेट काम में आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दिन जब बेरोजगारों को समझ में आएगी तो निश्चित रूप से इस पर आवाज़ उठाई जाएगी, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन होगा। लोकतंत्र को लेकर एक गायक होने के नाते आपको क्या लगता है, जिस प्रकार काफ़ी बहुजन आंदोलन को मानने वाले गायक है और उनकी आज जो समस्या है, आपने देखा होगा तो उत्तर प्रदेश में एक गायक है, उन्होंने जो गीत लिखा उस गीत के बाद समाज के अंदर उस गीत को पसंद किया गया, लेकिन व्यवस्था ने उसके साथ अन्याय किया, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, उनके स्टूडियो को जला दिया गया। तो इन सब चीज़ों का एक अभिव्यक्ति है कि आप क्या लिखेंगे, कैसे गाने गाएंगे, ये अभिव्यक्ति है, लेकिन बावजूद इसके इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो ऐसे में एक गायक होने के नाते आप क्या सोचते हैं, व्यवस्था के खिलाफ बात करना ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय संविधान जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, तो उसमें आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, आप किसी के बारे में भी अपने विचार रख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपकी पाबंदी नहीं है। लेकिन किसी के विचारों को रोकना, उनको दबाना, ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है। भारतीय कहना, जैसे कहना चाहिए कि ये मेरे मामले में कि ये तानाशाही है एक प्रकार की, तो ये इस टाइप से नहीं होना चाहिए। और सीधे शब्दों में बोलूँगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, आपको उसमें शासन सत्ता में होना ज़रूरी है। तो बहुजन मूवमेंट, मैं अपने गानों के माध्यम से भी ये मतलब जागृत करना चाहता हूँ कि बहुजनों को शासन सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है तो शासन सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। सर एक और बात, आपका मैं एक गाना हम लोग हमेशा सुनते हैं और सभी लोग काफ़ी पसंद करते हैं, कांशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, तो ऐसा गाना आपने क्यों लिखा और क्या मकसद रहा इस गीत के पीछे, इस लफ्ज़ों के पीछे? देख, कांसी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, ये एक नारा है बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन मूवमेंट का। तो उसको गाना, वो नारा मुझे याद आया एक दिन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक गीत बनाया जाए। तो बस वो नारे को देख के एक थीम बनाई मैंने और उस पर उस गीत को मैंने लिखा, और वो मेरे ख्याल से बहुत पॉपुलर गीत है। मैंने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, पर बहुत जल्द रिकॉर्ड होगा। जहाँ तक महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रोग्रामों में इस गीतों को गा चुका हूँ, जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं लोग सुनना चाहते हैं उस गीत को, और आज भी मैंने इस गीत को गाया है। तो सर कुछ चंद लाइन जो है वो इस गीत की हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। कांसी तेरी ने कमाई तूने सोती कौम जगाई, कांसी तेरी ने कमाई तूने सोती कौम जगाई, जागेगा एक दिन बहुजन ये ऐसी आवाज लगाई,
जागेगा एक दिन बहुजन ये ऐसी आवाज लगाई। तो ये मान्यवर साहब की परिकल्पना थी कि साहब ने इस मूवमेंट की शुरुआत की, एक आवाज़ दी है, तो इसको थीम को रखते हुए मैंने ये गाना लिखा हुआ है और लोग पसंद करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। सर, आप जिस परिवार से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या आपके परिवार में ऐसा कोई गीतों का माहौल कहो या फिर पारिवारिक होते हैं, खानदान होते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे बचपन से गाने की आदत थी। मैंने स्कूल में, कॉलेज में गाना गाया है और अनेकों शादियों में, फंक्शनों में मुझे गाने का शौक़ था। तो ऐसी कोई मैंने तालीम भी नहीं ली है, बस जितना कुछ आता लोग मुझे पसंद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे जो मतलब बाबू जी आई लोग हैं, वे भी मतलब इस क्षेत्र से दूर थे, कोई रिलेशन नहीं था उनका, लेकिन मेरा छोटा भाई भी गाने का शौक़ रखता है और जो मेरे बेटियां हैं वे तो नहीं रखती, लेकिन मेरे छोटे भाई का लड़का है वो गाता है और इंस्ट्रूमेंट भी बजाता है। मतलब देखिए, बहुजन समाज को अवसर और मौके नहीं मिलते हैं, ना ही उन्हें इस प्रकार की कोई सुविधा दी जाती है कि वो म्यूजिक में अपना करियर बना पाए, लेकिन बाय बर्थ जन्म से ही बहुजन समाज के अंदर टैलेंट है और उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। इस देश के व्यवस्था ने उन्हें मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। बावजूद इसके आज प्रकाश सागर जी संपूर्ण भारत के, मध्य भारत के प्रबोधनकार है और अपने खुद के लिखे हुए गानों के लिए वो जाने जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मेरे 10 भाषणों के बराबर शायर का एक गाना है, एक गीत है। और चूंकि इस देश के अंदर आधी आबादी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अंगूठा लगाती है, नाम तक लिखना नहीं आता, और ऐसे लोगों को अगर प्रबोधन करना है, उन्हें उनकी समस्याएं बतानी है, उन्हें कुछ मार्गदर्शन करना है, तो गीतों के माध्यम से किया जाता है। तो अंत में मैं यही चाहूंगी सर कि किसी भी गीतों के माध्यम से आप हमारे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप अपने किसी भी गीत के माध्यम से? देखो, गीत का एक माध्यम समाज में संदेश पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि लोग गीतों के माध्यम से काफ़ी टाइम तक अपना समय देते, ध्यान से सुनते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि बाबा साहब भी मानते थे कि गीत जो है मतलब हजारों वक्ताओं के बराबर है, बराबरी करता है। मान्यवर साहब कंसीराम भी इस बात को मानते थे और हमेशा वो पहल करते थे कि कोई एक जागृति गीत गाने वाला हो और जागृति पहुँचाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे गीतों के माध्यम से कुछ हद तक मैं लोगों को जागृत कर पाऊँ, तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगा। कुछ गाने की जो है दो चार लाइन अगर आप कह दें हमारे दर्शकों के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। मैंने एक गाना को दो साल पहले करीब लिखा था, मैंने गोंदिया डॉक्टर अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह में गाया भी था, तो उसकी दो लाइनें सुना तो जी, मैं। है ये भीम का करम छाए दुनिया में हम, है ये भीम का करम छाए दुनिया में हम, देख कर ये नजारा मजा गया, है ये भीम का करम छाए दुनिया में हम, देख कर ये नजारा मजा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे मध्य भारत के सुप्रसिद्ध कार गायक और प्रबोधनकार जो अपनी कलम से गीतों को लिखते हैं और समाज के अंदर उन गीतों को रखते हैं, समाज को परोसते हैं, समाज को फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा, फुले शाहू बाबा साहब का मूवमेंट, मान्यवर कांशीराम साहब का राजनीतिक मूवमेंट, बहन मायावती जी के शान में वो गाने लिखते हैं और साथ ही समाज को मार्गदर्शित करते हैं। समाज के अंदर गीतों के माध्यम से प्रबोधन करने वाला वर्ग काफ़ी कम है और वो इस प्रकार के जो बहुजन आइडियोलॉजी को, बहुजन टर्मिनोलॉजी को अपने गानों में इस्तेमाल करने वाले कुछ गिने चुने ही लोग हैं। और आज तमाम गायकों का, तमाम प्रबोधनकार जो है वो अनेक समस्या से ग्रस्त है, बावजूद इसके वो समाज का प्रबोधन कर रहे हैं, समाज को ज्ञान दे रहे हैं, समाज को मार्गदर्शित कर रहे हैं, और ऐसे गीतकार और ऐसे गायक समाज में निर्माण होना काफ़ी अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सागर जी आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और बात किए। तो आज के इस इंटरव्यू के बारे में और गीतों और गायकों के बारे में, बहुजन आइडियोलॉजी के गीतों और गीतकारों और गायकों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।